हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये जो वीडियो है वो है बड़ी कमाल की, क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं। वैसे तो रोज ही नया करते हैं, आइए दिखाता हूँ नया क्या है। यहाँ पर देखिए, न तो रो नंबर दिखाई पड़ रहा है न तो कॉलम नंबर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे नेम में आपको जरूर दिखाई पड़ रहा है, ये जो नेम बॉक्स है यहाँ पर आपको रो नंबर और कॉलम नंबर जरूर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप साइड में इसको स्क्रॉल करिए, हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार है इसको स्क्रॉल करिए, आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर आप वर्टिकल स्क्रॉल बार को भी स्क्रॉल करें तो आपको रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रही है, जो कि साइड में 1, 2, 3 और ABCD करके दिखाई पड़ती थी। तो अभी ये गायब कैसे हो गया, चलिए ये इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, अगर आप इसको गायब करना चाहते हैं या वापस लाना चाहते हैं तो आपको सीधा चले जाना है व्यू टैब पर। व्यू टैब पे जैसे ही जाएंगे तो इस तरीके का ये जो आपको मेन्यू बार है वो दिखेगा और यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार दिखेगा। और यहाँ पर आपको करना क्या, यहाँ पर देखिए ये हेडिंग जो है इस पे से अनटिक कर दिया है मैंने। अगर आप टिक कर देंगे तो ये देखिए ये वापिस आ जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि इसे गायब करना है तो आप इसे अनटिक कर दीजिए, ये गायब भी हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ग्रिड लाइन हटाना, सेल मनी है इस सेल को, यानी ग्रिड लाइन को आप अगर हटाना चाहें तो आप ग्रिड लाइन से अनटिक कर दीजिए, ये हट जाएगा, देख सकते हैं ये हट चुका है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला बार को हटाना चाहें तो फॉर्मूला बार को भी हटा सकते हैं, ये देखिए अब फॉर्मूला बार गायब हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली ये काम कर सकते हैं। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे हटाया जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।